जुलाई का महीना आते ही लोगों को आईटीआर भरने की चिंता सताने लगती है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आखिरी तारीख तक इंतज़ार करना बहुत भारी भी पड़ जाता है। हो सकता है उस समय कोई आपको इमरजेंसी आ जाए, इसीलिए जितनी जल्दी आईटीआर भरा जाए उतना ही सही रहता है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। आईटीआर भरने की चिंता खास तौर पर उन लोगों को रहती है जिनकी इनकम टैक्सेबल है। लेकिन नहीं, अगर आप ये सोचकर चलते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। आज मैं आपको निल आईटीआर यानी कि शून्य जीरो आईटीआर के बारे में बताऊंगी। ये क्या होता है, कौन इसे भर सकता है और उसको भरने के क्या कुछ फायदे हैं। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वॉचिंग गुड रिटर्न्स। इनकम टैक्स को लेकर ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है उन्हें आईटीआर दाखिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन मामला कुछ और ही है। दरअसल वास्तविक छूट की लिमिट सिर्फ 2.5 लाख रुपीस तक की इनकम के लिए है। बाकी आईटी एक्ट के सेक्शन 87A के अंडर सरकार 12,500 रुपए की छूट देती है, यानी 2.5 लाख रुपीस की इनकम पर दिया जाने वाला टैक्स माफ़ हो जाता है। ऐसे में उनके लिए भी आईटीआर दाखिल करना ज़रूरी समझा जाता है और इसके कई फायदे भी होते हैं। अब ये तो हो गई ओल्ड टैक्स रिजीम की बात। न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स की छूट की सीमा 7 लाख रुपए है, लेकिन टैक्स छूट के बावजूद लोगों को जीरो आईटीआर दाखिल करना होता है। हालांकि उन्हें टैक्स के तौर पर एक भी पैसा नहीं देना होता। इसे निल आईटीआर या जीरो रिटर्न कहा जाता है। तो निल आईटीआर यानी कि जीरो टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब होता है कि टैक्स पेयर की टैक्सेबल इनकम नहीं है। ये तब हो सकता है जब किसी इंडिविजुअल की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो या जब नेट इनकम कटौती और छूट का क्लेम करने के बाद बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे हो जाती है। शॉर्ट में कहा जाए तो वो टैक्स पेयर्स जिनकी टैक्स की देनदार यानी कि लाइबिलिटी जीरो होती है उनकी तरफ से भरा गया इनकम टैक्स रिटर्न निल आईटीआर कहा जाता है। निल रिटर्न आयकर विभाग को ये दिखाने के लिए दाखिल किया जाता है कि आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम से नीचे है, इसलिए आपने टैक्स का भुगतान नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कुल सैलरी 2.5 लाख रुपए से कम है एनुअल, तो आप पर टैक्स लाइबिलिटी नहीं होती है। इसके लिए आप कोई टैक्स नहीं देते हैं फिर भी आप आईटीआर भर रहे हैं तो वो निल आईटीआर होगा। भले ही आप पर कोई टैक्स देनदारी नहीं बन रही हो, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बुद्धिमानी है। इससे उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपकी इनकम ऑन रिकॉर्ड आ जाती है। आपकी इनकम टैक्सेबल हो या नहीं, लेकिन आईटीआर फाइल करना आपके लिए बेनिफिशियल है। मैंडेटरी हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इससे आपको फायदा ज़रूर होता है। अब क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी जान लेते हैं। पहला है कि लोन लेना आपके लिए आसान हो जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न इनकम प्रूफ के तौर पर काम करता है। इससे लोन लेने वाले बैंकों या NBFC से लोन पाना आसान हो जाता है। इससे आपकी क्रेडिट प्रोफाइल बनती है। इनकम रिटर्न भारत सरकार इनकम प्रूफ के सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट के रूप में काम करता है। इसके अलावा लोन देने वाले बैंकों और इंस्टीट्यूशंस में आईटीआर जमा करने से लोन स्वीकृत करने का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाता है। दूसरा है, स्कॉलरशिप लेना आसान हो जाता है अगर आप निल आईटीआर भरते हैं तो। कुछ स्कॉलरशिप मामलों में इसके लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को अपना इनकम टैक्स रिटर्न प्रूफ जमा करने की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ विशेष सरकारी स्कॉलरशिप हैं जिनके मुताबिक पूरी फैमिली की इनकम एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए, तो ऐसे में भी आपका निल आईटीआर अगर भरा हुआ है तो वो काम आता है। अगला बेनिफिट है कि फॉरेन ट्रैवल के लिए वीजा। विदेश यात्रा के लिए वीजा अधिकारियों को आमतौर पर पिछले कुछ सालों के आईटीआर की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस विदेशी देश में कोई यात्रा करना चाहता है उसे वीजा देने से पहले अपने इनकम को वेरीफाइड करने की जरूरत होगी। इसलिए वीजा एप्लीकेशन के समय आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट और दूसरे जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जमा करना जरूरी होता है ताकि वीजा आसानी से आगे प्रोसीड कर सके। अभी कि किसी ने क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक में अप्लाई किया हो और बैंक ने इनकम का प्रूफ दिखाने को कहा हो, तब ऐसे सिचुएशन में निल आईटीआर जो है वो इनकम प्रूफ के तौर पर आप दिखा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपकी इनकम भले ही 2.5 लाख से कम है यानी कि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, चाहे वो ओल्ड रिजीम हो या न्यू टैक्स रिजीम हो, आपको आईटीआर फाइल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसे निल आईटीआर हम कहते हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं जो हमने आपको इस वीडियो में बताया। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें, YouTube पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।